आइए हम लोग पहले एग्जांपल 11 डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वाले के लिए हमने ट्रायंगल ऐसे बना लिया, इसके लिए ट्रायंगल। तो जैसे आपको पता है साइन थीटा होता परपेंडिकुलर, इसे साइन इनवर्स जब एक्स मान लेंगे, तो मान लीजिए कि अगर हमने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया हमने, तो जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 12 होगा, ये 13 होगा, तो जब पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 5 है, 4 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको 10 में बदलना चाहते हैं, तो अगर डायरेक्ट बदलना चाहते हैं तो इसको लिखते 10 इनवर्स परपेंडिकुलर, ये हो जाता 12/5, ठीक। और जब आप इसको बदलते तो ये आपका हो जाता 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/60। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों 10 में आ गए, और हमने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप 10 इनवर्स x प्लस 10 वाई का फार्मूला अप्लाई करोगे तो दो चीज़ हमेशा दिमाग पर रख लेना, कि जो फार्मूला होता है वो होता 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर, और दूसरा इसमें फार्मूला बताया, प्रूफ भी किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, कि 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब, कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ एक चीज चेक करना जरूरी है आपका, आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसको x बनाते हो, इसको y बनाते हो, तो 12 3 36/20, तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ये वाला, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो हम क्या करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पाई प्लस 10 इनवर्स इन प्लेस ऑफ एक्स, इसको ले लीजिए 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई 3/4, और इसको ऐसे एज यूजुअल नोट कर लीजिए 63/60। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा 48/15, और डिनोमिनेटर में आपका आ जा रहा है, ये कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, 20 माइनस 36 प्लस 10 इनवर्स 63/16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस वन इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आपका आ जा रहा है 63/-60। और यहाँ पे देखिए अब रिजल्ट आपका लगभग दिखने लगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है कि 10 इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 63/16 प्लस 10 इनवर्स 63/16, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, और फिर हमारा रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू पाई। तो ध्यान देना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे सीबीएसई में आता है तो आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y अप्लाई करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि पहले चेक करो क्या एक्स वाई दोनों जीरो से बड़े हैं, और अगर उनका प्रोडक्ट एक से छोटा होगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर उनका प्रोडक्ट एक से बड़ा होगा तो आप इस फार्मूले का, ये जरूरी ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या लिखा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 10 इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए सर। जब भी सिंप्लीफाई करते हैं तो पता है क्या ध्यान देना होता है, अगर ये 10 इनवर्स है तो ये भी हमारा 10 आना चाहिए, और जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह से फार्मूला नजर आ रहा है आपको ऐसे। तो हम क्या करें, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमेटर में डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता है इसको 1 बनाना है, किससे डिवाइड कर दें, बाय बी कॉस एक्स, तो आपको क्या मिलेगा आइए देखते हैं। दिस वन इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए अपॉन बी मिलेगा, और यहाँ पे ये सिर्फ 10x आ जाएगा, एंड हियर इज इट इज अ 1 प्लस, ये आपका आ रहा है ए अपॉन बी इंटू 10x।
ठीक, अब कुछ ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है, अगर आप क्या करो, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, सिंस वी नो दैट टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसके राइट हैंड साइड को इससे कंपेयर कर लेते तो जो ए आ रहा है ना, ये हमारा कैपिटल ए के बराबर आ जा रहा है, और बी जो हमारा ये कितना आ जा रहा है, टेन एक्स आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले में यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स इन प्लेस ऑफ ए, तो हम ए बाई बी लिख देंगे, और फिर यहाँ पे ये सॉरी प्लस माइनस वाला था तो यहाँ माइनस लिख लेते हम लोग ऐसे करके, ये माइनस है, जब कंपेयर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और इन प्लेस ऑफ बी वी हैव टू राइट टेन। तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स टेन एक्स। फिर आपने पढ़ा कोई फंक्शन उसके इनवर्स का कंपोजिशन होता है तो ये एक्स आ जाएगा, तो ये आपका इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया, दिस वन, दिस इज ए सिंप्लीफाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से डिस्कस करते। आइए जैसे इसको देखा जाए, इस तरह के क्वेश्चन जब लगाना होता तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ये इज इक्वल टू आ रहा है 13π/6 एंड इट डज नॉट बिलोंग टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दिस वन, इसके बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे प्रिंसिपल ब्रांच में तो जीरो से पाई के बीच में आना चाहिए। जब नहीं आ रहा तो हम इसको बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस 13π/6 को इस तरह से लिखेंगे, और एक चीज बताया था 13π/6 जब भी लिखते हैं हम लोग तो पाई 90 के इवन मल्टीपल में लिखा जाता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कॉस 2π + π/6। अब ध्यान से देखो, 6 × 2 = 12 और प्लस 1 = 13, और ये आपका कितना होता है कॉस 360 + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा कितना हो गया कॉस पाई बाई सिक्स। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड इट बिलोंग टू 0 to π प्रिंसिपल ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई सिक्स। क्लियर? आइए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें प्रूव करना 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 24/7। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले देख सोचो क्या करना है, कि इधर साइन में दिख रहा है, इधर टेन में दिख रहा है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप क्या करो, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, और CBSE लेवल पे चलता है सब, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए ऐसे, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका है 2 sin inverse 3/5। अगर ये 10 में है और ये साइन में है तो क्यों ना हम एक ऐसे राइट ट्रायंगल बना ले, मान लीजिए, और इसके लिए अगर करते तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका कितना हो गया 4। तो अगर आप इसको 10 में बदलना चाहते तो 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो इसी तरह हमने क्या किया है, इसको ऐसे बदल डाला 3/4, और फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है यूजिंग 2 tan inverse x इज इक्वल टू 10 inverse 2x अपॉन 1 - x². ये फार्मूला किस फार्मूले से बनता था, आपको याद होगा कि आपने वहां पे पढ़ा होगा कि 10 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 - tan² a, तो वहां पे ये था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे देखिए बना लिया हमने, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2a है तो एक ही जगह 2 tan inverse x इज इक्वल टू ऐसे लिख देते, ठीक है ना। जब आप इस फार्मूले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 inverse, और जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो एक्स जगह 3/4 मिल रहा है, तो 2 × 3/4 अपॉन 1 - 9/16। सिंप्लीफाई दिस वन, व्हाट डू यू गेट, से दिस 10 inverse, ये आपका आ जा रहा है, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऐसे करके हम लोग तो ये आ जा रहा है 6/4, और नीचे 16 - 9 ये हो जाएगा 7/16, ठीक। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 10 inverse 6 × 16 अपॉन
4 into 7. After simplification, ये आपका कितना आ रहा है? Tan inverse 24 upon 7. This is our right hand side. ठीक है? तो इस तरह से आप बड़े आसान, तो पहले क्वेश्चन को देखो और फिर सोचो कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए. उसके पहले जो भी क्वेश्चन थे सिर्फ फार्मूले पे रखना था आपको, फार्मूले पे रखते जाइए, मिलता जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन को देखो, तो क्या आपने इस तरह का कोई फार्मूला याद किया था? अगर फार्मूला आपको याद है तो नो टेंशन. तो इसको सवाल को देखिए, अगर आप ऐसे तो आप इसको क्या करो, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड ला सकते हो, राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड ला सकते हो, किसी तरह सवाल को प्रूफ कर सकते हो. तो इसके कई तरीके होते हैं प्रूफ करने के. हम क्या करें, इस क्वेश्चन को जरा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. ये एक तरीका तो ये भी होता है. ऐसे हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर लिया ऐसे करके. ये देखो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. और एक फार्मूला आपने पढ़ा था यूजिंग, जैसे वहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कॉस 2a इज इक्वल टू होता था हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. ठीक उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला आपका होता है, एक एक लाइन के फार्मूले हैं, तो यहाँ पे होता था ये 2 cos, ये होता था 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर. ध्यान से देखिए, तो बस आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए. अगर आप इस फार्मूले से इसको कंपेयर करते हो तो आपको a की जगह कितना मिल रहा है, अंडर रूट x. जब इस फार्मूले को लगाओगे आप ऐसे, तो यहाँ सीधे लिखोगे cos इनवर्स ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू राइट अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर. और ये कितना हो गया, ये आपका सॉल्व होकर के रिजल्ट आ गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लग गया. एक तरीका ये था. दूसरा तरीका ये था इसका, कि हम लोग यहाँ पे इस एक्स की जगह पे अंडर रूट टेन है, इसके अंडर एक्स की जगह पे हम लोग टेन ए रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट टेन ए रख के सॉल्व कर सकते थे. ठीक, आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई प्रूव करना है. ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर ऐसे 10 है इज इक्वल टू हमें एक्स बाई टू प्रूव करना है. ये प्रूव करना है x बाई टू, और x बिलोंग टू दे रखा है 0 से पाई बाई 4. तो जब आप उसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए. तो व्हेन वी टेक आउट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, तो ये आपका है cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. और ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और इट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. और आपने एक शॉर्टकट याद किया था क्लास 11th में, याद करिए कि 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू, यहीं पे दोनों लिख लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर. 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स की जगह पे ये. तो बस यहाँ पे सीधे सीधे उठा के आप इस शॉर्टकट को पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर. ये रूट में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर इन साइड द रूट. डिनोमिनेटर इट इज अ 1, ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, एंड इट इज अ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा सीधे सीधे कॉस एक्स बाई टू प्लस
sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2 upon, this is cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2. See, this cancel out by this one. Here is this cancel out by this one. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट डू यू गेट, यू विल गेट cot इनवर्स. यहाँ पे cos x by 2, cos x by 2, 2 cos x by 2, sin x by 2, sin x by 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे ये cos x by 2 अपॉन sin x by 2 होगा. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जा रहा है cot इनवर्स, दिस वन इज इक्वल टू cot x by 2. और यहाँ पे आप जब देख रहे हो x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, यहाँ पे दे रखा है ऐसे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 2. आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते तो कहोगे x की वैल्यू हमारी 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो x बाई 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से पाई बाई 8 के बीच में है, विच इज ए प्रिंसिपल ब्रांच फॉर दिस वन. कॉट का भी होता है 0 से पाई हमारा, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी हमारा है. अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड में कम से कम 10 साल तक के क्वेश्चन जो पूछे गए अच्छे से अच्छे या हॉट से एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आइए देखें, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको यार देखो हिंट तो यही नजर आ रहा है यार कि यहाँ पे ये टेन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स एक्स प्रूव करना है. तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम क्या करें, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक. और अगर हम इस x की जगह पे ऐसे क्या करते कि लेट x बराबर हमने लिख दिया cos 2 थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा. तो इज इम्प्लाई दैट थीटा कितना हुआ, 1/2 cos इनवर्स x आएगा. यही देखो रिजल्ट आपको लगभग दिखने लगा. अब आप क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो ये आता है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, एंड हियर इज अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड इट इज अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा. बेटा क्लास 11th में आपने cos 2 थीटा को जो शॉर्टकट फार्मूला पढ़ा है तो शायद याद होगा, एक बार हम रिकॉल करा दें आपको, क्योंकि मेन चीज रिकॉलिंग होता है. तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, याद पड़ रहा है ना. तो हम 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन प्लेस ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा. और जब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे अगर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा. क्लियर. और फिर आप देखिए ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, ये आपका आ जा रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. और एक क्वेश्चन हम लोग याद करो, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व किया था कि अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है तो ये भी टेन आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करें अगर हम लोग, कि डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमेटर को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलता है, आइए देखा जाए. सी दिस, तो जब आप इसको कंटिन्यू करोगे इस क्वेश्चन को तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, जब कॉस से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा. ठीक. और ये पता है क्या है, ये आपका ये फार्मूला है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा का. ध्यान से देखिए कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगाते तो आपको यही मिलता, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 होती है, और ये हमारा आ गया थीटा. हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी पाई बाई 4, और थीटा की जगह पे कितना लिखना था हम लोग को, 1/2 cos इनवर्स x. अब मेन चीज होता है कि जैसे देखा जाए कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के बाद में आ रहा है कि क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया,
अब मैंने जो बताया था कि जैसे लिखते हैं हम लोग कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आता है कि नहीं आता है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग देख सकते थे प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कई तरह से क्वेश्चन लग सकता है, एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करने के बाद 9/4 कॉमन ले लो, या हम डायरेक्टली लगा रहे तो हम क्या करें इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सिंपल तरीका। और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग एनीथिंग कॉमन, कुछ मिल रहा है कि नहीं देखो। तो अगर आप इससे 9/4 कॉमन ले लेते हो तो व्हाट डू यू गेट, 9/4 कॉमन ले लोगे तो ये कितना मिलेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक। और इसके बाद ये आ जाएगा 9/4, और आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे ये पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। यूजिंग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसमें तीन फार्मूले थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब रिजल्ट में देखो यार, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो हमको अगर आसान तरीका मैंने बताया था तो सबसे बढ़िया आसान तरीका तो यही होता है, एक आप ट्राइंगल बनाइए, कॉस जैसे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 3 होगा। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। तो जब आप इसी को साइन में बदलोगे बेटा, तो साइन में बदलेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स, जरा जल्दी बता रहे हैं, अपॉन 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए कोई दिक्कत तो बताइए, ये सवाल भी आपका लग गया तो एकदम एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, सब लॉलीपॉप है। अब जब लोग साइड बुक से लगाएंगे तो कुछ हमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और इसका 16 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन लगभग बोर्ड में आए हैं, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो हम क्या करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते, यूजिंग 2 tan inverse A इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स, ये होता है 2a/1 - a² तो आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो इन प्लेस ऑफ ए व्हाट डू यू गेट, आपको cos x मिल रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 a की जगह cos x है, इट इज ए 2 cos x 1 - cos² x, क्लियर, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos x, दोनों तरफ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 2 cos x और 1 - cos² x जो होता है आपका होता है sin² x, और यहाँ पे ये आ जा रहा है 2 cos x को लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक, 2 से 2 को हमने कैंसिल करा दिया। जब भी सॉल्यूशन निकाला जाता है तो भरसक प्रतिक्रिया कि कटाया नहीं जाता है, प्लस माइनस से वजह डिजिट तो कट सकता है, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो इसको लिख सकते थे हम लोग cot x into cos x, और इसको सॉल्व करते तो इसको लिखते हम लोग cos x, ठीक। जब इतना आ गया हमारा ऐसे, अब देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से, तो ये इसको जब ट्रांसफ़र कर लेंगे आप ऐसे, तो ये cot x into cos x minus cos x is equal to 0। यहाँ से हमने क्या किया कि cos x कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा cot x minus 1 is equal to 0, ठीक, this into this is equal to 0। अब cos x 0 कब होता है आपको पता है, तो ये cos x is equal to 0 होगा या cot x is equal to 1 आएगा। तो cos x 0 कब होता है, तो cos x 0 जो होता है हमारा किस पे होता है, cos x 0, sin 0 कितना होता है, 0 होता है, तो cos x 0, ठीक,
तो यहाँ पे तो होगा नहीं, लेकिन cot x जो हमारा होता है 1 कब आता है, पाई बाई 4 पे। तो अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो उसमें चार ऑप्शन दिए थे हमारे पास। जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो cot x की, cosec x की वैल्यू कभी जीरो होती है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। cosec x की वैल्यू जीरो कभी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे cosec x इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको पता है x अगर इन्फिनिटी होता तो cosec इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे और cot x इज इक्वल टू 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ये भी हमें सॉल्व भी करना है। आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन और है 16। जैसे 14 को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। और यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूजिंग 2 tan इनवर्स a is equal to tan inverse 2a upon 1 minus a square अगर यूज करते हो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। ये आ जाएगा आपका tan inverse in place of a, we are getting 1 minus x upon 1 plus x। तो ये 1 minus x upon 1 plus x और denominator में this is whole square of this one। इन राइट हैंड साइड इट इज ए tan इनवर्स x, तो इधर भी tan इनवर्स x, इधर भी tan इनवर्स x, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x एंड दिस वन इज इक्वल टू अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू x। फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा सा तो क्या मिलता है, ध्यान से देखो। मेन सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड व्हेन वी एक्सपेंड दिस वन इट इज अ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This one is equal to x. So what do you see this? This cancel out by this one. So ये आपका हो जाएगा 2 into 1 minus x upon 1 plus x. और denominator में आपका मिल रहा है ये 4x upon whole square of 1 plus x is equal to x. इसका इसमें multiply कर लो, इसका इसमें multiply कर लो। तो ये मिल जाएगा 2 1 minus x. इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिर्फ 4x इज इक्वल टू x। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इज इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, लेकिन आपको आंसर जो निकालना था ग्रेटर देन 0 निकालना था। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट है, सबसे अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। सॉल्व करने में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही हमारा है। अगर आप प्रॉपर वे में चलोगे तो बड़े जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं तो नानी याद करा देता है ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वाले में यही सवाल है। इसी को घुमा घुमा के अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये, कहेंगे यार यहाँ साइन इनवर्स है तो ये भी साइन इनवर्स होता तो काम चल जाता, लेकिन वैसे बड़ा लंबा लगता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे तरीके से लगाते हैं जिससे बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग ऐसे। तो हम क्या करें, पहले क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया सॉल्यूशन, 1 माइनस एक्स और हमने क्या किया 2 उसको ट्रांसफर कर दिया। बस ध्यान से देखिएगा, ये सबसे आसान तरीका इसको लगाने का। हमने इस 2 sin x को उधर ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद अब
अगर आप इसको देखो ऐसे तो साइन दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप एक फार्मूला पढ़े हो बेटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? दिस इज ए कॉस थीटा। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो जो काम यहाँ पे थीटा का वो काम इसमें इसका है, ध्यान से देखो बस यही मेन है इसका। तो ये इधर तो आ गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे ये साइन 90 प्लस थीटा तो ये कॉस हो गया और थीटा की जगह पे 2 साइन माइनस एक्स। बस एक लाइन का क्वेश्चन और बचा तो काम बन जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉस है तो ये भी कॉस इनवर्स होता तो काम बन जाता। तो आपने एक फार्मूला वहां पढ़ा था, याद करो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद पढ़ रहा है ना? तो इसी तरह से इनवर्स में क्या फार्मूला बनेगा, बस यही तो मेन सोचना है हम लोग को। तो अगर आप इनवर्स में क्या करते इस फार्मूले को बनाना होता तो ये फार्मूला जो होता है, जब इस फार्मूले को करते तो हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है ये कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रूफ होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन थीटा लिख देते तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला ही ऐसे रिजल्ट आ गया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसीलिए पिछले फार्मूले को भी रिकॉल करना है आपको इस साल के भी। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये तो हमारा आ गया कितना, तो ये हो जाएगा कॉस और इसकी जगह पे हमने लिख दिया कॉस इनवर्स। ये इसका सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, कोई फंक्शन उसका कंपोजिशन ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इफ यू टेक आउट x कॉमन तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है x बराबर 0 और एक मिल रहा है x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सही है, ये भी दे रखा है 0 भी 1 बाई 2 भी दे रखा है, 1, 1/2 भी दिया है, 0 भी दिया, 1/2 भी दिया। तो हम लोग क्या करें, जो भी वैल्यू आई है इसको रख रख के अगर वेरीफाई करके चेक करते कि क्या सही है कि गलत है तो मिल जाता। आइए देखते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि आखिर कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा हमारा आंसर गलत। इसीलिए इस क्वेश्चन को मेन बताना था मुझे। जैसे मान लो कि हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो आपका जो ये फार्मूला ऐसे था, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस x 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आप x की जगह 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, साइन इनवर्स 1 और ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 0, इधर तो पाई बाई 2 है। ध्यान से देखो साइन 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये पाई बाई 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये पाई बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब कि LHS बराबर RHS x बराबर 0 पे तो आ गया। अब हम अगर इस पे 1/2 पे चेक करते हैं तो देखिए क्या मिलता है कि when x is equal to 1/2 तो जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स, जब आप x की जगह 1/2 लिखोगे तो 1 माइनस 1/2 आपका 1/2 आ जाएगा ऐसे, और ये आपका आ जा रहा है 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 1/2 जो होता है माइनस 30 की वैल्यू होती है, तो ये माइनस पाई बाई 6 और यहाँ पे आपका पाई बाई 2 और ये बराबर होता ही नहीं है। तो यही ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि जो आंसर आपका आएगा यही हमारा आंसर आएगा और ये हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये ध्यान देना था। थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड में जो कुछ अच्छे अच्छे पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के, कुछ बोर्ड के। थैंक यू।